पिता जो निर्माण है, उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने से, दोनों की वार्ता से जो नयन अश्रु बहा और दोनों का जो मिलन हुआ, उससे शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सारे वृक्षों में अगर श्रेष्ठता दी जाती है, 33 कोटि देवताओं की पूजन में अगर कोई पत्ती चढ़ सकती है तो वो शमी की पत्ती चढ़ सकती है महाराज। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती है। बेलपत्री तो आप दुर्गा जी को चढ़ा दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे, गणेश जी को चढ़ा दोगे, विष्णु जी को चढ़ा दोगे, ब्रह्मा को नहीं चढ़ती बेलपत्र। तो बाकी की जैसे दुर्वा का रहता है, दुर्वा किन किन देवताओं को चढ़ती है, तो उसी तरह शमी पत्र की पत्तियां किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आप समर्पित कर सकते, उसको स्वीकार। पर एक बात याद रखना, जब शमी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो शमी पत्र की डाली समर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे एक यहां पर रखी हो, कुछ माताओं ने आज चढ़ाई है, ये जो आपने चढ़ाया है ना डाली के समय, ये गलत है। ये हमको रोग की उत्पत्ति करा रहा है। क्या उत्पत्ति करा था? रोग। जैसे अगर डाली के समेत शमी पत्र हम अगर शंकर जी को चढ़ा देते हैं या किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में दर्द 15 दिन के बाद में चालू होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे 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 वो दर्द चालू होता है। इसलिए शमी पत्र का एक नियम है कि उसकी पत्ती को तोड़ा जाए पेड़ से, उसकी पत्तियों को तोड़ कर फिर भगवान को समर्पित करो, पर डाली समर्पित नहीं हो सकती, डाली का समर्पण नहीं। और कितना सुंदर लिखा है, बेलपत्र की डाली भी है ना, अगर बेलपत्र की मान लो डाली भी चढ़ गई है तो वो स्वीकार होगी, पर शमी पत्र की डाली स्वीकृत नहीं है, उसकी पत्तियां स्वीकृत है। पर जल्दी जल्दी में आप लोग को हो सकता है कि भाव आपका इतना ज्यादा रहता है ना, इतना भगवान से तुम प्रेम करती हो ना, तो भगवान पर बस इसने अपना उंडेलने के चक्कर में तुम ज्यादा ही कुछ उंडेल लिया, बस दिक्कत यहाँ आ जाती है। बेचारे पंडित जी तो थोड़ा सा बोलते हैं, तुम उसके चार गुना चलती, दिक्कत बस यही है।